Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 70 of the Indian Contract Act 1872, which is basically a quasi contract. Guys, I have made a video, earlier video on quasi contract, section 68 to section 72 of the Indian Contract Act 1872 deals with what is meant by quasi contract. Main already bata chuki hu ki quasi contract is a word which has been used under English law. इंडिया में कहीं पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड देखने को नहीं मिलेगा. इंडिया में हम बोलते हैं ऑफ सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. आई होप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सेक्शन 69 पे आपको समझ आ चुका है कि मैं क्या बोल रही हूँ. एंड गाइज, बिफोर यू मूव ऑन विद दिस वीडियो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सेक्शन 69 पे, यू हैव टू वॉच इट बिकॉज हम इन टोटल 5 सेक्शंस कवर करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में. आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड कि सेक्शन 68 जो है, ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट सेक्शन जब हम माइनर एंड लॉ के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे अंडर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. तो आप उस टॉपिक को वहाँ से कवर कर सकते हो. और उसके बाद सेक्शन 69 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है. सेक्शन 70 इज हियर एंड इसके बाद 2 सेक्शंस आर लेफ्ट. आई विल बी कमिंग अप विद दो सेक्शंस वेरी सून एंड आई विल बी ट्राइंग टू फिनिश दिस चैप्टर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सो गाइज, आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पता होना जरूरी है एंड फॉर दैट यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन सेक्शन 69. मैंने वहाँ पर पूरी इन डेप्थ इंट्रोडक्शन दी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, बिगिनिंग विद सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. गाइज, इस सेक्शन को हम स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. वो केस लॉ में हर एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल सेक्शन 70 का पूरा हो जाएगा. आई हैव ब्रॉट दैट केस लॉ फॉर यू ताकि आपको एक ही केस लॉ करना पड़े और उससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ कि सेक्शन 70 इट एक्चुअल में है क्या. सो बिगिनिंग आर लेक्चर विद अ केस लॉ विच इज दामोदर मुडालियर वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1895. इस केस में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ टैंक्स थे, इरीगेशन टैंक्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन इरीगेशन टैंक्स को रिपेयर करवाया क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी उन टैंक्स में. बहुत ही पास्ट, बहुत सालों के लिए वो यूज़ हो रहे थे, तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अंडरटेक रिपेयर ऑफ दोज टैंक्स. बट गाइज, वो जो टैंक्स थे वो इरीगेशन के लिए यूज़ होते थे और उस इरीगेशन, वो जो टैंक्स इरीगेट करते थे वो उन लैंड्स को इरीगेट करते थे जो गवर्नमेंट की लैंड्स भी होती थी और कुछ डिफेंडेंट्स की लैंड भी थी. डिफेंडेंट्स यहाँ पे जमींदार हैं. इट मीन्स दी टैंक बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो टैंक बहुत सारी लैंड्स को इरीगेट करता था जिसमें कुछ गवर्नमेंट की लैंड्स भी थी और कुछ लैंड्स वहाँ पर डिफेंडेंट्स की भी थी, बहुत सारे जमींदार की भी लैंड है. इट मीन्स आप यहीं से समझ पा रहे हो कि जो डिफेंडेंट्स हैं यानी कि बहुत सारे जमींदार हैं, कहीं ना कहीं दे आर टेकिंग अ बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटी विच इज़ बीइंग कॉन्फर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट अपने टैंक्स आपको प्रोवाइड कर रही है फॉर इरीगेटिंग योर फील्ड्स, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट यहाँ से उठा रहे हैं. और आपको फैक्ट्स को बाद में जब हम रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा, तो आप यहाँ पे देखो कि ड्यू थिंक गवर्नमेंट इसको ग्रेटिशियसली करेगी. इस ग्रेटिशियसली का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट करना. ऑब्वियसली नॉट, गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं रहेगा टू डू इट ग्रेटिशियसली. गवर्नमेंट जब अपनी सर्विसेज आपको लॉफुल सर्विसेज, गवर्नमेंट अपनी लॉफुल सर्विसेज जब जमींदार को प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट विल नॉट डू इट ग्रेटिशियसली. गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कॉस्ट वहाँ पे करेगी बिकॉज अल्टीमेटली जो डिफेंडेंट्स हैं, जमींदार हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है. दे आर अवेलिंग दोज सर्विसेज और उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे इरीगेशन फैसिलिटीज, यू गॉट टू पे समथिंग टू द गवर्नमेंट, इज इट. अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इनको रिपेयर करवाना शुरू किया. जो टैंक्स हैं उनको रिपेयरेशन की जरूरत थी तो गवर्नमेंट ने रिपेयर करवाया. अब गाइस, गवर्नमेंट ने कहा भी था कि वी आर नॉट रिपेयरिंग दीज टैंक्स ग्रेटिशियसली. इट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट अंडरटेकिंग दिस रिपेयर वर्क ग्रेटिशियसली, मतलब हम लोग इस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवाएंगे. अगर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करवाएगी तो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न को हम क्या बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, कंसिडरेशन, राइट. सो गवर्नमेंट वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन, सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन पेमेंट, कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन तो गवर्नमेंट ग्रांट करेगी, गवर्नमेंट लेना चाहेगी फ्रॉम द डिफेंडेंट्स, सिंस डिफेंडेंट्स आर ऑल्सो अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के आप सर्विसेज को अवेल कर रहे हो. तो गाइज, यहाँ से इस केस के फैक्ट्स से आपको क्या समझ आ रहा है कि देर इज समथिंग लॉफुल विच इज बींग डन बाई द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज जमींदार. गवर्नमेंट ने अपनी लॉफुल सर्विसेज को अवेल करवाया टू जमींदार और उसका बेनिफिट किसको हो रहा है, गवर्नमेंट को तो हो ही रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की फील्ड्स भी थी जो इरीगेट होती थी, प्लस बहुत सारे नंबर ऑफ जमींदार को भी इसका बेनिफिट उठाया. बहुत देर से वो इरीगेट हो भी रही थी और रिपेयर के बाद भी उनकी लैंड्स इरीगेट होंगी. इट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ डन समथिंग विच इज़ लॉफुल. गवर्नमेंट हैज़ लॉफुली डन समथिंग फॉर द डिफेंडेंट्स एंड मोर ओवर डिफेंडेंट्स को उस चीज़ से बेनिफिट भी हुआ
और गवर्नमेंट ने ये कहा भी था कि वी आर नॉट अंडरटेकिंग दिस रिपेयर वर्क ग्रेटिशियसली, हर एक इंसान को कंट्रीब्यूट करना होगा, गवर्नमेंट सिर्फ इसका खर्चा नहीं उठाएगी। अब गाइस, डू यू थिंक कि जो जमींदार हैं उनको कॉम्पेंसेशन करनी होगी गवर्नमेंट को? आर दे अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कॉम्पेंसेट गवर्नमेंट? यस गाइस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम ये कहेंगे कि दीज पीपल कैन नॉट अनजस्टली एनरिच देमसेल्स एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। आई होप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सेक्शन 69 पे, आपको समझ आएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी भी कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हैज नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस, देयर वाज नो फॉर्मल प्रपोजल, नो फॉर्मल एक्सेप्टेंस। बट डिस्पाइट दैट फैक्ट, एक इस तरीके का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है पार्टीज में विच इज रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। एज इफ अगर सच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती है ना पार्टीज में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में वही रिलेशनशिप बन जाता है, बट ओनली बिकॉज ऑफ अ प्रिंसिपल, इक्विटेबल प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो अनजस्ट एनरिचमेंट की प्रिंसिपल पे जो हमारा पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो वो क्या बोलता है कि एक तो आपके लिए गवर्नमेंट ने कोई लॉफुल काम किया, उसके बाद आपने उसका बेनिफिट भी उठाया, अभी तक उठा भी रहे हो और बहुत देर से आप बेनिफिट उसका अवेल भी कर रहे हो, और उसके बाद गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं है, गाइज इंटेंशन बहुत मैटर करता है सेक्शन 70 में, गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं था टू डू दैट एक्ट ग्रेटिशियसली फॉर दोज जमींदार्स, तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं था उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने का, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था वाइल गवर्नमेंट वॉज एंटरिंग इन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट और दैट अग्रीमेंट विद यू, वाइल एट दैट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट का इंटेंशन वॉज नॉट टू डू दैट एक्ट ग्रेटिशियसली। इट मीन्स यहाँ पे दीज जमींदार्स नाउ आर अंडर एन ऑब्लिगेशन, उनकी एक ड्यूटी बनती है, दो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है कि नाउ दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कॉम्पेंसेट गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज जो उन्होंने गवर्नमेंट की अवेल करी हैं। सो और इसका रीजन क्या है, वो ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज दीज जमींदार्स कैन नॉट बी अनजस्टली एनरिच्ड। गाइज मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है कि यू कैन नॉट अनजस्टली इन अ रॉन्ग वे एनरिच योरसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, बेनिफिट भी उठा रहे हो और आप कॉम्पेंसेशन भी नहीं दोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर अनजस्टली इन अ रॉन्ग मैनर एनरिचिंग योरसेल्फ, सो वो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो आई होप गाइज आपको ये केस लॉ बिल्कुल समझ आ चुका है। इस केस लॉ में मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे रिपीटेडली फोकस किया और वही पॉइंट्स हमारे क्या थे, असेंशियल से सेक्शन 70 के। गाइज अगर मैं आप सेक्शन 70 की वर्डिंग रीड करूँ तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ आएगा कि ये केस लॉ से किस तरीके से एक एक पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। तो लेट्स बिगिन विद द बेयर एक्ट लैंग्वेज। बेयर एक्ट लैंग्वेज बोलती है कि वॉट इज द ऑब्लिगेशन। गाइज ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और ड्यूटी, बेसिकली ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। सो ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट, हु इज इंजॉइंग बेनिफिट, डिफेंडेंट्स आर इंजॉइंग बेनिफिट, जमींदार्स आर इंजॉइंग बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो वॉट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट? तो अब गाइज मुझे बताओ कि क्या ऑब्लिगेशन होगी उन पर्सन्स की जिन्होंने बेनिफिट को इंजॉय किया, कि इन्होंने जमींदार्स ने बेनिफिट को इंजॉय किया ऑफ अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ग्रेटिशियस एक्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नॉन ग्रेटिशियस एक्ट मतलब जहाँ पे सम यू नो द अदर पर्सन और द गवर्नमेंट इन दिस केस इज एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न, सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन, रेम्यूनरेशन, सम काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन, सम काइंड ऑफ पेमेंट इन मनी, तो वो नॉन ग्रेटिशियस एक्ट होगा जहाँ पे आपका इंटेंशन क्या है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या रहेगी जमींदार्स की, दैट दे हैव टू मेक कॉम्पेंसेशन, उनको कॉम्पेंसेट करना है टू द अदर पर्सन क्योंकि उन्होंने, डिफेंडेंट्स ने अदर पर्सन का बेनिफिट अवेल किया है। सो गाइज लेट्स बिगिन विद द बेयर एक्ट लैंग्वेज। आई होप आप ये डेफिनेशन को, बेसिकली हेडिंग को रीड करके समझ चुके होंगे कि इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज में हम क्या रीड करने वाले हैं। सो वो क्या बोलते हैं कि वेयर अ पर्सन लॉफुली, ये चीज़ लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। गाइज जो चीज़ अनलॉफुल होगी उसको हम यू नो बेयर एक्ट्स में रीड ही नहीं करते। जो चीज़ अनलॉफुल होती है वो हमारे अनलॉफुल इज समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, उस चीज़ को लॉ ने फॉरबिड किया है, क्योंकि उस चीज़ को लॉ ने फॉरबिड किया है तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, वो चीज़ अनलॉफुल होगी। तो हर एक चीज़ लॉफुल होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखो वेयर अ पर्सन, यहाँ पे अ पर्सन रेफर्स टू गवर्नमेंट, जो हमने केस लॉ डिस्कस किया वहाँ पे ये बात होती है गवर्नमेंट की। वेयर अ पर्सन लॉफुली इन अ लॉफुल मैनर, जो चीज़ फॉरबिडन है बाय लॉ आपको वो चीज़ नहीं करनी है। सो वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनी रिपेयर करवाया स्पेशली उन टैंक्स को जिन टैंक्स का बेनिफिट डिफेंडेंट भी उठाता है। सो वेयर अ पर्सन गवर्नमेंट लॉफुली डज समथिंग फॉर अनदर पर्सन जमींदार्स और डिलीवर्स एनीथिंग टू अदर पर्सन, टू दिस पर्सन इट सेल्फ। अब डिलीवर्स की भी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज गाइज ए एंड बी आर टू पीपल,
ए सेज टू बी, ए बी को बोल, ए एंड बी आर टू पीपल, ए एंड बी वो ट्रेडर्स हैं. ए ने क्या किया, बाय मिस्टेक एक दिन व्हाट हैपेंड इसकी ए की जो गुड्स है ना दे आर लेफ्ट एट बीज वेयर हाउस. बी के वेयर हाउस पे बाय मिस्टेक ए की गुड्स रखी गई. इट मीन्स जब चीज़ कोई बाय मिस्टेक रखी जाती है, ए ने बी को गिफ्ट नहीं करना था गाइस, वो बाय मिस्टेक रखी गई. तो डू यू थिंक ए का इंटेंशन था कि मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा? नो, इट वॉज नॉट अ गिफ्ट जो ए ने बी को दिया था. इट मीन्स अगर कोई चीज़ आपसे बाय मिस्टेक किसी के घर पर रखी गई तो वहाँ पे आपका इंटेंशन क्या था, नॉट टू डू इट ग्रैटिशियसली, वो नॉन ग्रैटिशियस एक्ट है. तो यहाँ पे क्या होगा, ए ने बी के घर पे कुछ गुड्स रखी बट वो बाय मिस्टेक उसके घर पे रह गई, ए उसको वापस नहीं लेके आया. बी को, बी ने उन गुड्स को अपना बना लिया और उन गुड्स को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया और किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर लिया. तो यहाँ पे सेक्शन 70 बोलता है कि क्योंकि ए ने बी के लिए कुछ किया, यानी कि ए हैज़ डिलीवर्ड समथिंग टू अदर पर्सन और उस अदर पर्सन ने उसका बेनिफिट भी अवेल कर लिया. ए ने कोई लॉफुल काम किया, ए ने कुछ गुड्स जो लॉफुल गुड्स हैं, इट शुड नॉट बी समथिंग जो इलीगल हो, उसमें कुछ इलीगल ओपियम वगैरह नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ लॉफुल ट्रेड. ए ने कुछ लॉफुल गुड्स बी के यहाँ रखी एंड बाय मिस्टेक उनको लाना भूल गया. अब यहाँ पर आप देखो तो ये लॉफुल ट्रेड है, बी ने उन गुड्स को अपना मान लिया, बी ने उसका बेनिफिट उठा लिया, लेकिन ए का इंटेंशन क्या था कि मैं उसको गिफ्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स ये नॉन ग्रैटिशियस एक्ट है और बी ने उस चीज़ का बेनिफिट भी अवेल किया. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70 एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है जहाँ पे बी इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो ए को अब क्या करेगा, कॉम्पेंसेट करेगा. बिकॉज जो चीज़ आप नॉन ग्रैटिशियसली करते हो उसका मतलब होता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न. सो गाइज आपको ये भी पॉइंट समझ आ गया. तो बोलते कि व्हेन अ पर्सन लॉफुली, इट शुड बी डन लॉफुली, डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, गवर्नमेंट ने सर्विसेज अवेल करी थी और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम. तो यहाँ पे गुड्स की एग्जाम्पल बाय मिस्टेक, गुड्स की इलस्ट्रेशन को आप याद रख सकते हो, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रैटिशियसली, नॉट इंटेंडिंग. गाइज आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए टू डू इट ग्रैटिशियसली. अगर आपका इंटेंशन था कि मैं उसके लिए ग्रैटिशियसली करूँगा, फिर आप कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकते. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर टू नेबर्स, बी, यू नो, बीज हाउस हैज कॉट फायर, बी के घर को आग लग जाती है. ए ने क्या किया, फटाफट से बी के सामान को बाहर निकाला, बी के हाउस को, उसके प्रिमाइसिस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जिस हद तक वो कर सकता था. अब यहाँ पे ए का इंटेंशन वाइल प्रोटेक्टिंग बीज हाउस और हिज प्रिमाइसिस, ए का इंटेंशन नहीं था टू डू इट नॉन ग्रैटिशियसली, टू डू इट नॉन ग्रैटिशियसली. इट मीन्स ए को ये था कि मुझे सिर्फ उसकी प्रेमाइसिस को बचाना है, ए का कोई मतलब नहीं था कि मुझे उससे कॉम्पेंसेशन लेनी है. तो जहाँ पे वाइल डूइंग समथिंग, वाइल एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका इंटेंशन ही नहीं है अगले से पैसे लेने का, तो वहाँ पे आप पैसा नहीं ले सकते. गाइज इट इज़ द इंटेंशन ऑफ द प्लेंटिव विच यू नो डिसाइड्स कि क्या आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी. अगर आपने किसी के घर को बचाया फ्रॉम फायर विद एन इंटेंशन कि आई एम नॉट डूइंग इट ग्रैटिशियसली, मैं बाद में कॉम्पेंसेशन ज़रूर लूँगा, तो वहाँ पे यू कैन गेट कॉम्पेंसेशन, क्योंकि सामने वाले ने बेनिफिट तो अवेल किया ही, उसके प्रेमिसिस को आपने बचाया, उसका तो बेनिफिट हुआ. बट इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टी, प्लेंटिफ पे डिपेंड करते कि उसने ग्रैटिशियसली किया या नॉन ग्रैटिशियसली किया, उसका इंटेंशन क्या था उस पर डिपेंड करेगा. और फिर सेक्शन 70 को हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते. बिकॉज गाइस सेक्शन 70 की हेडिंग में ही लिखा है नॉन ग्रैटिशियस एक्ट, इट शुड बी एन एक्ट विच इज़ नॉन ग्रैटिशियस. आपके माइंड में इंटेंशन नहीं होना चाहिए टू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके माइंड में इंटेंशन होना चाहिए कि आई हैव टू गेट कॉम्पेंसेशन, मुझे तो रीइंबर्समेंट चाहिए, मुझे तो कॉम्पेंसेशन चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न. तभी आपको समथिंग इन रिटर्न मिलेगा, तभी आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगी. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट इंटेंड टू डू इट ग्रैटिशियसली. जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं था टू डू इट ग्रैटिशियसली, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे 100% क्लेम कर पाई जो वो करना चाहती थी. इट मीन्स इस केस में गवर्नमेंट कुड रिकवर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी बनता है डिफेंडेंट्स से लेने का. क्योंकि गाइज देखो वहाँ पे जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट की खुद की भी तो लैंड्स अवेल कर रही हैं, कुछ जमींदार्स की भी लैंड्स है, तो जितना जमींदार से लेने का बनेगा एज अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट टू यू नो प्रोपोर्शनेट टू डिफेंडेंट्स लैंड, जितनी लैंड उनकी इरीगेट हो रही है उस चीज़ के प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट डेफिनेटली पैसा क्लेम कर सकती है. बिकॉज गवर्नमेंट का इंटेंशन वॉज नॉट टू डू इट ग्रैटिशियसली. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है. उसके बाद कहते हैं सच अदर पर्सन इन्जॉयज़ द बेनिफिट देयर ऑफ, इन्जॉयज़ द बेनिफिट. अगेन मैंने आपको बता ही दिया कि ए ने बी के घर को फायर से प्रोटेक्ट किया, बी का बेनिफिट हुआ, ए की गुड्स बाई चांस बी के घर पर रहेगी, बाय मिस्टेक बी ने उनको अपना बना लिया, बी का बेनिफिट हुआ. इस केस में डिफेंडेंट्स का, जमींदार्स का बेनिफिट हुआ. तो बेनिफिट का मतलब होता है कि यू हैव वॉलंटरली एक्सेप्टेड दैट बेनिफिट, आपने वॉलंटरली एक्सेप्ट कर लिया, बी ने अपने आप ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी गुड्स बन चुकी हैं, डिफेंडेंट्स ने अपने आप ही एक्सेप्ट कर लिया कि हमें आप अपनी इरीगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करो. सो आपने क्या किया, बेनिफिट को भी इन्जॉय किया, क्योंकि आपने बेनिफिट भी इन्जॉय किया,
सामने वाले ने आपके लिए कुछ लॉफुल कर भी दिया, बट क्योंकि उसका इंटेंशन वॉज नॉट टू डू इट ग्रेटिशियसली, इसीलिए क्या होगा, द लाटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पेंसेशन. लाटर हियर रेफर्स टू द वन जिसको बेनिफिट हुआ, यानी कि जमींदार. द लाटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पेंसेशन टू द फॉर्मर, टू द गवर्नमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट एवर दैट पर्सन हैज डन. उसने आपको गुड्स, उसने आपके लिए सर्विसेज का काम, कुछ सर्विसेज अवेल करी तो आप उनको कॉम्पेंसेट करो. गुड्स उन्होंने आपको दी तो या तो आप गुड्स के बदले उनको गुड्स वापस कर दो जो पर्टिकुलर गुड्स थी, या फिर उनको आप क्या करोगे, कॉम्पेंसेट करोगे, यू नो, रिगार्ड्स दोज गुड्स. तो लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर, यानी कि वापस कर दो द थिंग सो डन और डिलीवर्ड. अगर जो चीज़ आपको डिलीवर की गई है या तो आप उनको वापस कर दो, अगर बी ने उन गुड्स को कंज्यूम कर लिया तो आप क्या करो, कॉम्पेंसेट करो, रीइंबर्स करो दूसरे इंसान को. आई होप गाइज आपको सेक्शन 70 की बिल्कुल बेरक लैंग्वेज समझ आ चुकी है. मैंने केस लॉ बिगिनिंग में इसीलिए डिस्कस किया बिकॉज दिस केस लॉ वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जब तक इस केस लॉ को नहीं डिस्कस करती तब तक आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ आते. और जो तीन मैंने यू नो चीज़ों को अंडरलाइन किया, दीज आर दी ओनली थ्री एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 70. एसेंशियल्स सिर्फ यही रहेंगे कि वन पर्सन हैज़ टू लॉफुली डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन. या तो कुछ करना है, या आपको सर्विसेज देनी है, या आपको कोई गुड्स को डिलीवर करना है. सेकेंडली, यू शुड नॉट डू इट विद एन इंटेंशन टू डू इट ग्रेटिशियसली. आपका इंटेंशन मस्ट बी टू क्लेम समथिंग, कुछ वापस से लेने का आपका इंटेंशन होना चाहिए. एंड थर्ड, द अदर पर्सन मस्ट हैव एंजॉयड बेनिफिट देयर ऑफ, उन सर्विसेज का या उन गुड्स का सामने वाले को बेनिफिट होना चाहिए. और वो तीनों चीज़ें इस केस लॉ में हुई. एंड आई होप आपको ये केस लॉ समझ आ चुका है और ये सेक्शन 70 क्लियर हो चुका है. गाइज, नाउ बिफोर आई गो, मैं आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेक्शन 70 के रिलेटेड समझाना चाहती हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं. सबसे पहला तो सेक्शन 70 इज़ नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट अ माइनर. मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. अगर आपने मेरा चैप्टर नहीं देखा गाइज, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देखना. वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोसे 1903, इस केस लॉ ने हमें बताया था कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. क्योंकि गाइस माइनर की अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होती है तो वहाँ पे ना तो सेक्शन 64 एप्लीकेबल होता है, ना ही 65 एप्लीकेबल है, और ना ही आप सेक्शन 70 को इन्वोक कर सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि सेक्शन 70 इज इनऑपरेटिव इन केस ऑफ अ माइनर. माइनर के मामले में हम सेक्शन 70 को इन्वोक नहीं कर सकते, सेक्शन 70 इज इनऑपरेटिव, क्योंकि हमने माइनर के साथ डील करने के लिए सेक्शन 68 को अलग से बनाया है. अब सेक्शन 68 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का ही सेक्शन है जो मैं ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखना. वहाँ पे हमने डिस्कस किया था नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर. गाइस वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि माइनर की अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होती है, एक इंसान माइनर को कभी भी पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकता. अ माइनर कैन नेवर एवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल व्हाटसोएवर. एट मैक्स अगर आपने माइनर के लिए कुछ किया है, यहाँ पे जैसे एक इंसान ने दूसरे इंसान के लिए कुछ किया या उसको कुछ गुड्स सप्लाई करी, सेक्शन 68 वही कहता है कि अगर आपने किसी माइनर के लिए वॉलंटारिली कुछ किया है, ठीक है, उसको कुछ गुड्स सप्लाई करी है या उसको कुछ सर्विसेज अवेल करने दी हैं सूटेड टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, तो वहाँ पे यू कैन गेट रीइंबर्समेंट. आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो बट नॉट फ्रॉम दैट माइनर पर्सनली. यू कैन नेवर एवर मेक अ माइनर पर्सनली लायबल. एट मैक्स आप क्या कर सकते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हो. तो आई होप गाइस आपको सेक्शन 68 समझ आएगा. सेक्शन 70 से ही बहुत सिमिलर सेक्शन 68 है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि जो सेक्शन हमारा 70 है वो बिल्कुल इनऑपरेटिव है, वो ऑपरेट नहीं करेगा. इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड बेसिकली इन अ केस अगेंस्ट अ माइनर, क्योंकि उसके लिए हमने एक सेपरेट सेक्शन 68 ऑलरेडी बना रखा है. वहाँ पे हम यही कहते हैं कि माइनर से आप कॉम्पेंसेशन, बात वही होती है कि आपने कुछ डिलीवर किया, जैसे यहाँ पे आपने कुछ लॉफुली किसी के लिए माइनर के लिए कुछ किया, माइनर ने उस चीज़ का बेनिफिट भी उठाया, आपका इंटेंशन भी नहीं था टू डू इट ग्रेटिशियसली. तो सारे सिमिलर एसेंशियल्स ही होते हैं सेक्शन 68 के, बट इस सेक्शन में 68 की बात नहीं की जाती है. ये सेक्शन 70 है, यहाँ पे हम माइनर्स की बात नहीं करते हैं. सेक्शन 68 के फैक्ट्स जो बेसिकली इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं वो यही रहते हैं कि ये आपने सब कुछ किया माइनर के लिए, फिर भी आप कॉम्पेंसेशन क्लेम माइनर से सिर्फ तब कर पाओगे अगर माइनर की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ एस्टेट है जो आपको उतना पैसा दे सकते जितना आपका बनता है. यू कैन नॉट एवर हेल्ड यू नो अ माइनर पर्सनली लायबल. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सेक्शन 70 कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट अ माइनर, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 68 अलग से बना रखा है. गाइस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सेक्शन हमारा 70 है
दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर देर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट. गाइस जहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होती है, आपको पता होगा कि पूरा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये अनजस्ट एनरिचमेंट के कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड है कि नोबडी कैन अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर. लेकिन जहाँ पे अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है वहाँ पे सेक्शन 70 का कोई भी सेक्शन अप्लाई नहीं होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का. तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. और जहाँ पे आपको लगता है कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं है, सब कुछ जो है वो जस्ट है, रीजनेबल है, वहाँ पे कोई भी सेक्शन आप नहीं उठा सकते. कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी सेक्शन को आप इन्वोक नहीं कर सकते क्योंकि दिस यू नो एंटायर कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत जरूरी है. गाइस कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे अगर माइनर का केस आया तो क्या करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि माइनर को आप यहाँ पे नहीं लाओगे. सेक्शन 70 बिल्कुल इनऑपरेटिव है, उसके लिए आप सेक्शन 68 की रेफरेंस लोगे. तो प्लीज़ आप सेक्शन 68 को ज़रूर देखना, आपको समझ आएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इफ़ यू रिमेंबर हमने केस लॉ डिस्कस किया था फ़कीर चंद सेठ वर्सेस दाम बरूदर बनिया, ये केस लॉ डिस्कस किया था जब हमने सेक्शन 65 को कवर किया था. गाइस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि वहाँ पे क्या था कि देयर वाज अ पर्सन, उस इंसान ने क्या किया था दूसरे इंसान को, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पैडी सप्लाई करूँगा, कुछ राइस सप्लाई करूँगा. और इस चीज़ के लिए जब इन्होंने प्रॉमिस किया था तो प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कुछ अर्नेस्ट मनी भी दी थी. प्लेंटिफ हैड गिवन डिफेंडेंट सम अर्नेस्ट मनी. बट गाइस व्हाट हैपेंड इज कि इन लोगों को नहीं पता था कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड है, क्योंकि ओडिशा में एक ऐसा लॉ गवर्नमेंट ने पास कर दिया था जहाँ पे उस पर्टिकुलर पैडी को आप नहीं सेल कर सकते. बट क्योंकि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को नहीं पता था, दे हैड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर. डिफेंडेंट ने कहा आई विल बी सप्लाइंग यू विद पैडी एंड यू जस्ट प्रोवाइड मी विद अर्नेस्ट मनी, बाकी का पैसा तब दे देना जब आपको एक्चुअल में डिलीवरी मिल जाएगी. बट गाइस दिस केस टर्नड आउट टू बी डिस्कवर्ड टू बी वॉइड. ये डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केस था, बाद में पता लगा कि ये तो हमारी अग्रीमेंट ही रह गई, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि ये डिस्कवर्ड टू बी वॉइड है. तो सेक्शन 65 तो वहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि जो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड केसेस होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स में जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे आप रेस्टिट्यूशन करवा सकते हो. बी को उसका पैसा वापस मिल जाएगा, यानी कि प्लेंटिफ को उसका पैसा वापस मिल जाएगा जो उसने अर्नेस्ट मनी दी थी, क्योंकि पैडी तो सप्लाई नहीं हो सकती. अगर आप सप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, आप लॉ के अगेंस्ट जाओगे. इट इज़ समथिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, तो उस चीज़ को तो आप पूरा नहीं कर सकते. बट आपको आपका पैसा जो अर्नेस्ट मनी टोकन मनी आपने दी थी वो आपको वापस मिल जाएगी. बट गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन 65 की एप्लीकेबिलिटी के साथ साथ सेक्शन 70 को भी हम यूज़ कर सकते हैं और बी को बोल सकते हैं प्लेंटिफ को कि आप अपना पैसा वापस ले लो. उसका रीज़न क्या है गाइस, उसका रीज़न ये है कि अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग सेक्शन 65, सेक्शन 70 कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड. उसका रीज़न ये है कि जब प्लेंटिफ ने यानी कि बी ने ए को पैसा दिया था, अर्नेस्ट मनी दी थी, क्या उसने विद एन इंटेंशन टू डू इट ग्रैटिशियसली दिया था? नहीं. उसने अर्नेस्ट मनी क्यों दी थी कि मैं आपको पैसा दूंगा और आप क्या करोगे, मेरे लिए पैडी सप्लाई करोगे. जब आप मुझे पैडी पूरी सप्लाई कर दोगे, राइस पूरा सप्लाई कर दोगे, तो मैं आपको बाकी का बचा हुआ पैसा भी दूंगा. तो जब बी ने ए को अर्नेस्ट मनी दी थी, क्या उसने विद एन इंटेंशन टू डू इट ग्रैटिशियसली दी थी कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैसा देता हूँ? नो. सो व्हेन समथिंग इज नॉट डन विद एन इंटेंशन टू डू इट ग्रैटिशियसली, तो वहाँ पे आप सेक्शन 70 को भी इन्वोक कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो. उस केस में वही हुआ था कि जो डिफेंडेंट थे जिन्होंने सप्लाई करना था राइस, दैट पर्सन वो चीज़ लॉफुल नहीं थी ना. अब देखो वो लॉफुली डिलीवर नहीं कर सकता क्योंकि इट इज़ समथिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने फॉरबिड कर दिया तो ही कैन नॉट डू इट. पर दूसरे इंसान ने जब उसको पैसा दिया था, इट वॉज नॉट यू नो विद एन इंटेंशन टू डू इट ग्रैटिशियसली, फ्री ऑफ कॉस्ट उसने नहीं सोचा था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा. उसने तो समथिंग इन रिटर्न के बदले ही पैसा दिया था, तो वो सेक्शन 70 को भी इन्वोक कर सकता है अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो रीइंबर्स करवा सकता है, रेस्टिट्यूशन करवा सकता है, अपना पैसा वापस से ले सकता है जो उसने अर्नेस्ट मनी दिया था. आई होप गाइस आपको सेक्शन 70 क्लियर हो चुका है. इट बेसिकली टॉक्स अबाउट कि व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन जो बेनिफिट इंजॉय करता है अंडर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट. नॉन ग्रेटिशियस एक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे उसका ऑब्लिगेशन क्या रहता है कि ही हैज टू कॉम्पेंसेट द अदर पर्सन. और इस केस लॉ को याद रखना गाइस, इलस्ट्रेशंस को याद रखना, आपको ये सेक्शन हमेशा क्लियर रहेगा. मोर ओवर वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे, कीप दोज पॉइंट्स इन माइंड. So guys, very soon I'll be coming up with section 71 and 72 and we'll be trying to finish up with this concept of quasi-contract. Till then, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.